दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की कहानी मेरी चार सवालों पर और उनके जवाबों पर आधारित है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, जो एक इंसान के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। इस स्टोरी को ध्यान से सुनेगा, हो सकता है कि मेरे बताए गए चार सवाल उनके जवाब आपकी ज़िंदगी बदल दें। दोस्तों एक राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि बताओ वो क्या है जो यहाँ है पर वहाँ नहीं, पहला सवाल। दूसरा, वो क्या है जो यहाँ नहीं है वहाँ है, दूसरा सवाल। तीसरा, वो क्या है जो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है, और चौथा सवाल, वो क्या है जो यहाँ भी है और वहाँ भी है। मंत्री ने राजा से थोड़ा समय मांगा और कुछ दिन बाद मंत्री दरबार पहुँचा और चार व्यक्तियों को लेकर पहुँचा अलग अलग। मंत्री ने राजा से बोला कि हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि इंसान को मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलता है और वो उसके कर्मों पर, जो उसने अपने जीवन में कर्म किए उसी पे आधार पे मिलता है। तो महाराज आप पहले व्यक्ति को देख रहे होंगे, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में पूरे जीवन भर भ्रष्टाचार किया है और उसे धन तो कमाया है, अपना जीवन भर सुख रहा है, पर ये जब मरेगा तो ये नरक की ओर जाएगा। तो दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मंत्री ने कहा कि महाराज इस व्यक्ति को देखिए, ये एक ईमानदार व्यक्ति है, इसने अपने जीवन भर कष्ट उठाए हैं, ये जीवन भर इसने दुख सहा, पर जब ये मर के जाएगा तो ये स्वर्ग भोगेगा। तीसरे व्यक्ति को मंत्री ने कहा कि महाराज इस व्यक्ति को देखिए, ये एक भिखारी है, इसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, तो इस जीवन में भी कष्ट उठाया है और जब ये मरेगा तो भी कष्ट उठाएगा, मतलब ये नर्क की ओर जाएगा। और चौथा व्यक्ति, महाराज ये एक धनी व्यक्ति है, इसने जीवन भर काफ़ी सुख भोगा है, पर ये जब मरेगा तो भी ये स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि इसने अपने जीवन में बहुत से पुण्य काम किए हैं जिससे ये मर के स्वर्ग भोगेगा। तो इन चारों सवालों के आंसर राजा को मिल गए। दोस्तों इस मोटिवेशनल स्टोरी से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ। बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप इन चारों व्यक्ति में से कौन से हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। एशिया टेलीकॉम स्मार्ट डेवलपर हमेशा आपके साथ रहेगा इसी तरह। थैंक यू। गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको, इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। And also 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.